खेलना चाहता। मुल्क से कौन नहीं खेलना चाहता भाई, मुल्क से कौन नहीं खेला। मैं अगर उन्होंने इस तरह मेरे उस पर्सनल डिसीजन को लीगों के साथ अटैच किया, मेरा तो कम बैक ही लीग से हुआ था। अगर आपको याद हो मैं BPL से मैंने स्टार्ट किया था। कौमी टीम के फास्ट बाउलर मोहम्मद आमिर ने PCB को तस्दीक कर दी है कि वो मुस्तकबिल में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं। PCB की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान ने आज दोपहर आमिर से राबिता किया। इस फोन कॉल में मोहम्मद आमिर ने चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान को तस्दीक की कि वो मजीद बैन उल अक्वामी क्रिकेट खेलने की ख्वाहिश नहीं रखते हैं, इसलिए आयमा किसी भी इंटरनेशनल मैच के लिए उनके नाम पर गौर ना किया जाए। PCB का मजीद कहना था कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना मोहम्मद आमिर का जाती फैसला है जिसका क्रिकेट बोर्ड एहतराम करता है और अब PCB इस मामले पर मजीद तबसरा नहीं करेगा। याद रहे कि कौमी टीम के फास्ट बाउलर मोहम्मद आमिर ने आज इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। निजी TV से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद आमिर का कहना था कि उन्हें कौमी टीम की मैनेजमेंट की जानिब से टॉर्चर किया जा रहा था। उनके बारे में मशहूर कर दिया गया था कि वो पाकिस्तान के लिए खेलना ही नहीं चाहते हैं, जिसके बाद उन्हें साइडलाइन कर दिया गया और हर बात पर उन पर तंज किया जाता था। वो मौजूदा टीम मैनेजमेंट के साथ मजीद नहीं खेल सकते हैं। उनका मजीद कहना था कि 2 दिन में कौम को मजीद तफसीलात के आगाह करूंगा। याद रहे कि इससे कबल अपने एक वीडियो बयान में मोहम्मद आमिर का कहना था कि PSL से पहले मुझे जाती तौर पर धचका लगा कि फाइनल से 1-2 दिन पहले टीम का ऐलान कर दिया गया। हेड कोच मिसबाउल हक साहिब ही बता सकते हैं कि उन्होंने टीम का ऐलान PSL मुकम्मल होने से पहले क्यों किया। मैंने ट्विटर पर मिसबा साहिब इसलिए लिखा कि वो बड़े लोग हैं जिनके पास ताकत होती है, वो साहिब ही होते हैं। वका यूनुस का रवैया बहुत बर्दाश्त किया, अब बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, बर्दाश्त करने की हद होती है। वका यूनुस जब सिस्टम में नहीं थे तब की रिटायरमेंट दी थी। मोहम्मद आमिर का कहना था कि वर्ल्ड कप से पहले मैनेजमेंट को बताया था कि वर्कलोड बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं वर्ल्ड कप का मैच भी इंजरी के बावजूद खेला। वका यूनुस ने सवाल के जवाब में कहा कि आमिर ने वर्कलोड की वजह से क्रिकेट नहीं छोड़ी, तो वका यूनुस बताएं किस वजह से क्रिकेट छोड़ी। मुझे मेरी बॉडी का पता है कि मैं कितना वर्कलोड बर्दाश्त कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि वका यूनुस तो टीम को छोड़कर गए, बाद में आए, आपको कैसे पता मेरी इंजरी है? नहीं, कैसे कह सकते हैं कि वर्कलोड की वजह से नहीं छोड़ी, तो इसलिए कहा कि आप बताएं कैसे छोड़ी। फास्ट बाउलर का कहना था कि चीफ सेलेक्टर के लिए मोहम्मद यूसुफ बेहतरीन चॉइस है। पाकिस्तान के लिए उनके 18 से 20 हज़ार रन्स हैं, वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं। अगर मेरे बस में हो तो मोहम्मद यूसुफ को फौरी तौर पर चीफ सेलेक्टर बना दूं। मोहम्मद आमिर का कहना था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हुई तो इसका मोबाइल होना चाहिए था। जब कोई क्रिकेट शुरू करता है तो पाकिस्तान टीम की उम्मीद से नहीं आता, बल्कि डिपार्टमेंटल और फर्स्ट क्लास में खेलता है। कुछ लड़कों ने 20-20 साल दिए क्रिकेट को, लेकिन मुश्किल होता है, उनकी जिंदगी कैसी गुजर रही होगी। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम को बेइज्जत नहीं किया, हमारे लड़कों की हरकतें खराब थीं जिनकी सजा उनको मिली। इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाए, साथ में बेल आइकन को दबाए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ मैसेंजर पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर।